इंदौर के एमजी रोड थाना पुलिस ने जेल रोड स्थित पवन ट्रेडिंग कंपनी और पूजा वॉच सेंटर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 10 लाख रुपए की ब्रांडेड कंपनी की नकली घड़ियां बरामद की गई। वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों पर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। शिकायत पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो दोनों व्यापारी अमर और कन्हैया अलग अलग कंपनियों की घड़ियां बेचते मिले। पुलिस ने घड़ियों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जेल रोड स्थित दो दुकानें, पूजा वॉश सेंटर और एक कृष्णा मार्केट है बेसमेंट में, तो वहाँ पर फास्टैग कंपनी, रेडो कंपनी और अपना जी शॉप कंपनी की कुछ घड़ियां हैं जिनको उन दुकानों के संचालक दूसरा रूप देकर और घड़ियां बेच रहे, विक्रय कर रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पर दो टीम बनाकर वहाँ पर हम लोगों के द्वारा भेजी गई और घटनास्थल पर जाकर वहाँ पर पाया गया कि जो मुखबिर ने सूचना दी थी वो सही थी और दोनों टीम ने मिलकर वहाँ पर दोनों दुकानों से करीब 9.5 लाख रुपए तकरीबन की ये इस टाइप की घड़ियाँ जब्त करी हैं। ये विस्तृत पूछताछ तो नहीं करी लेकिन करीब पिछले कुछ वर्षों से ये लोग इन दुकानों का संचालन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो सूचना जो घड़ी इस तरीके से बेच रहे हैं ये सूचना हम लोग को कल ही प्राप्त हुई थी जिस पर से हमने कार्रवाई की।